हम दूसरे से बात भी कर सकते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत सी तरक्की
with the help of which we can see the views of choice. इस पर हम आपके पास नहीं कोई भी वीडियो कभी भी कहीं भी देख सकते हैं. And there are many videos on YouTube. इस पर कई सारे वीडियो हैं. That we can use for homework a lot by reading on online. हम इस पे अपनी क्वेश्चन आंसर दिए सेंटी लॉकडाउन में. हम इस पे क्वेश्चन आंसर देकर हम अपनी बुक कंप्लीट की है. एंड इस पे भी बहुत सी अलग अलग ऑनलाइन लर्निंग की आती है. जैसे बहुत से अलग अलग टीचर्स के जरिए हम अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट सीखने वालों में वो लोग शामिल हैं जो ऐसी क्लासों में
जिससे आपकी आईडी कोई हैक आपकी आईडी
what is Google? Everyone know what is Google. सबको मालूम ही होगा कि Google क्या है. Google एक सर्च इंजन है, एक ऐप है, जिसमें हम जो भी सर्च करते हैं उसके बारे में मालूम मिल जाता है. What is the full form of Google? अच्छा आप लोगों से किसी को मालूम है कि Google का full form क्या है? किसी को मालूम है? तो Google का full form है Global Organization Oriented Group of Group Language of Earth. Who invented Google? Larry.
गूगल नेक्स्ट गूगल का फुल फॉर्म ग्लोबल ऑक्यूपेशन रोम लैंग्वेज अर्थ गूगल कौन कौन सी सर्विस मुहैया करती है इस लिस्ट में बताया जाएगा सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन है जिससे हम किसी भी चीज की मालूम हासिल कर सकते हैं हम जो भी मालूम उसमें डालेंगे उससे जुड़े हजारों और लाखों मालूम गूगल हमें दिखाएगा एडवर्ब ये एक मोबाइल का सिस्टम ओपन सिस्टम है जिससे हम अपने ये दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूट्यूब दुनिया के हर कोने में मोबाइल में हमें देखने को मिल जाएगा और इसमें कैसा है सर जो बनाया गया है 2005 में उसी के साथ साथ कुछ सलाह भी है।
टेक्नोलॉजी के मसाइल ऑनलाइन क्लासेस पर कैम चैलेंज नेटवर्क इंटरनेट का कनेक्शन है। देहाती इलाकों में रहने वाले तालिबा को नेटवर्क की जैसे प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है। देहाती मसाइल अपने सामने घंटों बैठे रहने से मानसिक पर असर पड़ता है, जैसे आपको बेचैनी कम होती है और इसकी कोशिश में बैठे रहने से कमर की मसाइल भी पैदा हो सकती है। सरदर्दियों का भुगतान तालिबा अपने साथियों के सहमत में रहकर बहुत कुछ सीख सकता है। ऑफलाइन क्लास में सीखना एक दिलचस्प और दिलचस्प साबित होता है। नतीजा कॉन्सल्यूशन मौजूदा हालात के पेश नज़र ऑनलाइन तालीम तदरीस बहुत कारामद साबित हुआ। किसी भी चीज़ पर शौक और जज्बा अगर हमारे दिल में हो तो हम इसे पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वे उन चाहे देखती है क्यों ना। थैंक यू। शुभ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब जानते हैं कि अब से क़यामत तक जो दौर है वो इल्म और हिकमत का है और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तरक्कियाँ हो रही हैं और जिससे हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हो रही हैं, इनसे हमारा वाकिफ होना ही नहीं बल्कि इसमें महारत हासिल करना भी ज़रूरी है। और इसीलिए आज ये कंप्यूटर सेक्शन की जानिब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो इंतजाम किया गया, माशाल्लाह इससे आप एक ऐसा हुनर सीख गए कि आप आगे किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, तो ये एक ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक ऐसी चीज़ है कि वो हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस के फील्ड में जाएं, चाहे टीचिंग के फील्ड में जाएं, किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो पावर पॉइंट है। तो इसमें आपने यकीनन टाइपिंग थोड़ी बहुत सीखी होगी और उसके अलावा एनिमेशन सीखे होंगे, स्लाइड्स बनाना सीखे होंगे, है ना। तो कुछ तो नया आपने जो सीखा है जो आपको आगे बहुत काम आएगा। तो माशाल्लाह टॉपिक्स भी बहुत अच्छे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश भी की है और ये कोशिश जारी रहना चाहिए क्योंकि जो स्किल्स होते हैं ये प्रैक्टिस के बगैर बाकी नहीं रहते। क्योंकि जितनी मश्क करेंगे आप, कोई भी तालीम या हुनर हो उसका इयादा और मश्क लाजमी है। जितनी मश्क आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मुझे उम्मीद है आगे भी कुछ और एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए प्लान की जाएंगी और स्टूडेंट इसी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारी टीचर साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा के प्रेजेंटेशन जारी का कराया, हमको अंजाम देने के लिए कहा। सेकेंडली आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु प्रेजेंटेड देयर प्रेजेंटेशन। तो आप सब अपने आप के लिए ताली बजाइए। Yeah.
खड़े हो तो आपको तो यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि आप नजदीक खड़े हो, बट जो पीछे बैठा है उसे नहीं नजर आ रहा, इवन ही कुड नॉट सी वहाँ पे इतने करीब बैठ के। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन साइज एंड कौन कलर इज द बैकग्राउंड स्लाइड, ये आपको नोटिस करना है जब आप स्लाइड बनाते हो। सेकेंड, आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ के इंटरेक्शन, आप मूव कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करिए, आप उन्हें समझा रहे हैं, उनको नहीं लीड कर रहे हैं। ओके, देन अवॉइड लुकिंग एट द स्लाइड्स, स्लाइड्स पर नहीं देखना है, आप अपने कंटेंट से बहुत अच्छे से वाकिफ होना चाहिए कि आप क्या समझाना चाहते हैं ऑडियंस को। तो आप तो बार बार स्लाइड्स की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉइंट फॉर्म में देखेंगे और उसको समझाएंगे। रीड व्हाट यू हैव रिटन, आपने जो लिखा है प्लीज उसे एक बार पढ़ लीजिए, स्पेलिंग्स जो आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे, सेकेंडली आपका प्रोनंसिएशन, आपने जो फाउंडर्स के नाम लिए, आप जो जिन्होंने इन्वेंट किया उनके नाम ले रहे थे, आपका प्रोनंसिएशन, आपका तलफ्फुज़, आप जो सही प्रोनाउंस कर रहे थे उस पर भी आपको ध्यान देना, उसे भी आप रीड करोगे एक बार। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सोलेशन प्राइज, जाता है पाइथन ग्रुप 7 इन अंसारी रुकैया असलम एंड अंसारी सारा इलियास। Was what is Google?